और बुलेटिन में आगे बढ़ते वक्त बता दें कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान। जल निगम भर्ती घोटाले में आज समाप्त हो रही है। सीतापुर जेल से भारी सिक्योरिटी के बीच लखनऊ पहुंचे आजम खान, ये बड़ा अपडेट। शाम तक उनको मिल जाएगी और उसके बाद फिर आजम खान की यहाँ पेशी होगी और चार्ज फ्रेम होगा। वकील का कहना है कि हमारे मुवक्किल दोषी नहीं है, हमारे पास सबूत है, लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। इसी मामले में आजम खान की हाईकोर्ट से बेल है और फिर जल्द ही आजम खान की पेशी के लिए अगली तारीख दी जाएगी। अच्छा, इसीलिए हम नंबर वन ऐसे ही सब खबरें सबसे पहले दिखाते हैं। तो हमारे नुमाइंदे बराह रास्त तमाम अपडेट दे रहे हैं। सीतापुर जेल से भारी सिक्योरिटी के बीच आजम खान लखनऊ पहुंच गए हैं। आज जल निगम भर्ती घोटाले मामले में समाप्त हो रही है लखनऊ में, और इसी के चलते सीतापुर जेल से भारी सिक्योरिटी के बीच लखनऊ लाया गया है आजम खान को। बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान। सीतापुर जेल से भारी सिक्योरिटी के बीच लखनऊ लाया गया आजम खान को। जल निगम भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट में आज समाप्त है। वो भी कूट रचित दस्तावेज और फ्रॉड का मामला है, वो भी 120B और 400 और 471 का मामला है कि दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनाते हैं, दो आप पैन कार्ड बनवा लेते हैं, दो जो है डेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेते हैं, उसमें वहाँ उनकी पेशी है। तो उनकी भी मुश्किलें कम नहीं है, आजम खां के परिवार की मुश्किलें कम नहीं है। आजम खां सीतापुर जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी तंजीम फातिमा जेल से तो बाहर आ गई है कांचा, लेकिन अभी मुश्किलें कम नहीं हुई है। जो जिस मामले में रामपुर में उनकी पेशी हुई उस मामले में भी अगर अदालत ने सख्ती बरती, वहाँ चार्ज फ्रेम हुआ उन लोगों के खिलाफ भी, तो उनको फिर वापस जेल जाना होगा। हालांकि उस मामले में वो पहले से बेल पर हैं, जब बेल पर आ जाते हैं तो जब तक दोष सिद्ध नहीं, यानी जब तक सजा नहीं दी जाती, बहस पूरी नहीं हो जाती, ट्रायल पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो बाहर रहेंगे। जैसे आजम खान पर अगर आरोप तय हो जाता तो भी उनकी वो बेल जो है, जो हाईकोर्ट से जितने बेल दिया वो बेल कंटिन्यू रहती। जब इस मामले में उनको दोष सिद्ध करार कर दिया जाएगा, यानी ट्रायल बहस पूरी हो जाएगी दोनों पक्षों की और अदालत फाइनल जो है फैसला सुनाएगा, तब इस मामले में ये कहा जाएगा कि आजम खान को सजा हो गई। अभी सिर्फ आरोप तय करने की बात है कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब आप अपनी सफाई दीजिए, आप क्या कहते हैं। जैसा कि उनके अधिवक्ता कलीम कह रहे थे कि हम पूरी सफाई देंगे, हमारे जो मुवक्किल हैं वो निर्दोष हैं। आगे ये देखना होगा कि अगली तारीख क्या पड़ती है और फिर उस जब पेशी पर आजम खान आते हैं, उनके ऊपर आरोप तय होता है तो किन किन धाराओं में होता है,